मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठाला। क्या हुआ भाई, हंसे क्यों आ रही है? नहीं नहीं जेठालाल, तुम आज का सुविचार पढ़ो। लापरवाही और जल्दबाजी मुसीबत की बुनियाद है। अरे वाह भिड़े, आरटीओ ज्वाइन कर लिया? ऐसे सुविचार आरटीओ में ही लिखे होते हैं ना? नहीं 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 जेठालाल, ये सुविचार सिर्फ वाहन चलाते हुए नहीं, जीवन के हर मोड़ पे काम आता है। क्या बात है आज, बहुत हंसी आ रही है? नहीं नहीं ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही तो नवरे नाथे लोग होते हैं, वो हंसते हैं भाई। नवरे नाथे मंजे? हाँ मंजे, जिनके पास कोई काम नहीं होता, एकदम फ्री पड़े रहते हैं ना, वो लोग हंसते हैं। चलो भाई, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, बहुत काम है, चलो। एक मिनट जेठालाल, ऐसे ही जाओगे दुकान? ऐसे ही मतलब? ऐसे ही जा रहे दुकान? सगाई जी मजा है आज। आयते? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे कैसे काय? अब की आयो? अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और नाश्ता पानी हो गया? आज मैं एक्चुअली डिटॉक्स लिक्विड डाइट पे हूँ, मतलब मैं आज पूरा दिन सिर्फ जूसेस पीने वाली हूँ। ओहो, तो ये है आपकी तंदुरुस्ती का राज है? वो कहते हैं ना, रोज एक ग्लास जूस पियो और रोज निरोगी जीवन जियो है। ये लोग जिस तरह से हंस रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या गड़बड़ है? टप्पू के पापा। अब पता चलेगा। टप्पू के पापा। दया एक मिनट, जरा साइड में आता। अरे एक मिनट जेठालाल, आज सुबह ही मैंने एक जादू सीखी है। मैं बिना देख के बोल सकता हूँ कि दया भाभी इस थैली में क्या लेकर आई है। ओहो। हाँ? वाह वाह भिड़े भाई, अब बताइए इसमें क्या है? आप इस थैली में जेठालाल के जूते लेकर आई। मतलब इसमें मेरे जूते? हाँ। तो मेरे जूते लेके क्यों घूम रही है? आपको पहनने के लिए। अरे लेकिन मैंने तो जेठालाल, मार्केट में कोई नया फैशन आया है? एक में ब्राउन, एक में ब्लैक, चलो। कैसा शिक्षक है तू? हाँ? अगर कोई गलती करे तो एक अच्छा शिक्षक उस गलती को सुधारता है, उसकी जगह तू बेशरम की तरह खड़े रह के हंस रहा है। सॉरी सॉरी जेठालाल, क्या है, कभी किसी को ऐसे अलग अलग जूते पहने देखा नहीं ना, इसलिए हंसी आ गई। हंसी आ गई? अरे दूसरों की मुसीबत पे अगर ऐसे हंसी आए ना, तो उसे पिशाची आनंद कहते हैं। सॉरी जेठालाल, तुम तो सीरियस हो गए भाई। तो सीरियस ही होऊंगा ना, जब तुमको पता था तो बताना चाहिए ना, उल्टा खड़े खड़े मजे ले रहे हो। ऐसे ही दुकान चला जाता तो पूरी दुनिया में मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। सॉरी सॉरी जेठालाल। अरे क्या सॉरी, याद कर तेरे गले में सिटी अटक गई थी, नहीं निकली। अरे भाई ऐसे कैसे तूने सिटी गले में अटकाई है, पावरफुल मशीन से भी नहीं निकल रही है। बैठ भाई बैठ, तू शांति से बैठ, कुछ और सोचना पड़ेगा अभी। तो क्या मैं इस तरह खड़े खड़े हंस रहा था कि भिड़े के गले में सिटी अटक गई, वो बोलते जाता है तो पी 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 ऐसी आवाज आती है, ऐसा कर रहा था मैं? नहीं उल्टा मुझे तेरी चिंता हो गई थी। दया भाभी आप जूते लेकर आइए तो दे दीजिए ना, यहाँ पे बहुत जूते पड़ रहे हैं। देना भाई काला दे तो दे। सॉरी है बबीता जी, वो क्या है कि वो फोन करते करते मैंने जूते पहने ना, उसमें वो गड़बड़ हो गई। और थैंक यू दया, तेरा ध्यान पड़ा और तू जूते देने आ गई, वरना मैं तो दुकान आज अलग अलग जूते पहन के ही पहुंच जाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू
कुछ लोगों जैसी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता चला फिर भी उन्होंने मुझे बताना योग्य नहीं समझा, बस खड़े खड़े मजे लेते हैं। पिशाची आनंद, पता नहीं क्या मजा आता है दूसरे लोगों को ऐसे चला 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 ओके बाय ऐसा मजाक उड़ाने का लोगों का। चले बबीता जी, थैंक यू, सॉरी है, मैं निकलता हूँ, चलते हाँ, ओके ओके, चल जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता जी, आपको याद है ना, आज मेरे घर पर हमारी महिला मंडल की मीटिंग है। ऑफ कोर्स याद है दादा बबी, आई विल सी यू सून। हां हां, चलो बहुत सारे काम बाकी है, काम निपटा के मिलते हैं मंडल की मीटिंग में। ओके बाय, सी यू। यार कहां रह गया, अभी तक प्लंबर को लेके आया क्यों नहीं? यार कहाँ रह गए तुम, अभी तक आए क्यों नहीं प्लम्बर को लेके? अच्छा चलो ओके, आ ही रहे हो, ओके ग्रेट परफेक्ट, ओके फाइन, आई सी यू, बाय। आइए आइए आइए, देखिए जल्दी से हमारे बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करो, मतलब ये टेंशन दूर हो जाए। साहब पप्पू प्लम्बर है ना, कोई टेंशन नहीं लेने का साहब। वाह आपका घर तो एकदम मस्त। देखिए मैंने आपको अपना घर दिखाने के लिए नहीं, बाथरूम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लाया है, ओके? बबीता, हाय। प्लंबर। ओके, हाँ भैया आप जरा जाके बाथरूम चेक कर लीजिए और हो सके तो वो लीकेज आज ही रिपेयर कर दीजिए। हाँ डोंट वरी मैडम, आपके बाथरूम में लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पप्पू प्लंबर है ना, चलिए आइए 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 आइए। आप क्या देखो, ये सब पानी इधर, ये सब पप्पू प्लंबर है ना? मतलब आप ये लीकेज ठीक कर दोगे? नहीं मैडम, ये काम अपन से नहीं होगा। पर पप्पू प्लंबर है ना? अरे क्या, जब से तुम मिले हो पप्पू प्लंबर है ना, पप्पू प्लंबर है ना, यही बोलते जा रहे हो और आप कह रहे हो कि ये लीकेज तुमसे ठीक नहीं होगा। साहब पाइप का प्रॉब्लम होता तो पप्पू प्लंबर है ना, पर ये पाइप का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये ऊपर बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम है और ये देखना पड़ेगा साहब। चलो ऊपर वाले के पास चलते हैं, मतलब ऊपर पोपट लाल रहता है उसके घर पर चलते हैं। हाँ हाँ यार, अभी पोपट भाई ऑफिस गए होंगे ना। अरे हाँ हाँ हाँ, तो अभी क्या करें? साहब पप्पू प्लंबर है ना, वो आपको एडवाइस दे रहा है। क्या? ऊपर के बाथरूम के टाइल्स निकाल कर वाटर प्रूफिंग कराओ, तभी लीकेज बंद होगा, और ये काम तो सिर्फ कड़िया मिस्त्री ही कर सकता है। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ पोपट भाई सॉल्व कर सकते हैं। और पोपट लाल को कितनी बार मैंने बोला लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं है। साहब आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए? अरे हाँ चाहिए चाहिए, हाँ चाहिए, बोलो 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 बोलो। साहब धंधे में, प्यार में, नौकरी में, मैरिज लाइफ में, विदेश जाने में, रिश्तेदार पड़ोसी से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम एक चमत्कारी बाबा को जानते हैं, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकता है। अरे भाई हम लोग ये सब अंधविश्वास में नहीं मानते। हाँ अरे तुम भी मत मानो, ओके? अगर हाँ, पैसे दे दो। हाँ थैंक यू सर। अच्छा मैं चलता हूँ, प्लम्बिंग का कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें फोन कर देना। वो प्लम्बर है ना? पोपट भाई के बाथरूम से लीकेज का प्रॉब्लम है, तो हमें पोपट भाई को जाके समझाना पड़ेगा। हाँ लेकिन वो एक ट्यून बजाएगा, मैंने बाथरूम की टाइल्स में तीन तीन बार सीमेंट भरा है और मेरे बाथरूम में लीकेज नहीं है। बबीता मैं तो कहता हूँ कि आज रात उसके घर पर जाके स्ट्रॉन्गली बात करते हैं। बात तो करनी ही पड़ेगी ना, हम तो बाथरूम यूज भी नहीं कर पा रहे। अच्छा मैं निकलता हूँ, ऑफिस को लेट हो रहा है। ओके वेल, मैं भी जल्दी से काम खत्म करके दया भाभी के घर पे जाती हूँ। अच्छा हम सारी लेडीज वहाँ पे मिलने वाले। ओहो ओके। मेरी एक सहेली है, उसके तीन भाई है और तीनों भाइयों को बाइक्स का बहुत शौक है। तो उसने उन तीनों भाइयों के नाम फिल्म के टाइटल पर से रखे हैं। धूम वन, धूम टू, धूम थ्री। और तो और उसके पति ट्रैफिक पुलिस है तो वो उनको प्यार से ट्रैफिक सिग्नल बुलाती है। सही में घर में सारे लोगों के नाम पिक्चर से? सोचो हम लोग हमारे पति देव के नाम फिल्म के
ऊपर से रखे तो कैसे रहेगा? ए, मस्त आइडिया है। क्या नाम देंगे? मेरे रोशन के लिए है ना, सिंग इज किंग बेस्ट है। ओ, एक मुझे भी नाम याद आया। हाँ। एक नहीं दो नाम याद है। एक तो सिंग और दूसरा सरदार सान। सन ऑफ सरदार। हाँ वही तो। वो कैसे रहेगा? टेबी मस्त है। ये मुझे भी मेरे हंस के लिए एक मस्त टाइटल मिला है। क्या क्या? मुन्ना भाई MBBS। MBBS ना वो बरोबर है। उससे भी अच्छा एक नाम करती हूँ, क्योंकि क्या है मुन्ना भाई MBBS में तो मुन्ना भाई थोड़े गुंडे जैसे थे ना। हमारे हाथी भाई तो जरा क्या पूरे शरीफ है, तो उनके लिए नाम है हाथी भाई, मतलब हाथी मेरे साथ। हाथी मेरे साथ। अगर तारक के लिए कोई नाम सोचे तो? चोरू का गुलाम। हाँ? अरे मेहता साहब आपकी सारी बातें मानते हैं और चुपचाप सारे डाइट फूड और जूसेस खा पी लेते हैं। हाँ, और आपके डाइट फूड के सारे जुर्म बर्दाश्त करते हैं। रोशन भाभी इसे जुर्म नहीं कहते, इसे पति की सेहत का ध्यान रखना कहते हैं, फिक्र कहते हैं, है ना? हाँ, ये मंत्र बरोबर है। अरे माधवी भाभी, आप भिड़े भाई को कौन से फिल्म का टाइटल देंगे? हाँ। के लिए रखवाला। क्योंकि ये हमेशा अपने परिवार, अपने स्टूडेंट्स और अपनी पूरी सोसाइटी का अच्छे से ख्याल रखते हैं ना, इसलिए रखवाला रखते हैं। नहीं कहा? हाँ रख लो, रख लो, रख लो, रखवाला रख लो। भाभी, आप जेठा भाई के लिए कौन से फिल्म का टाइटल रखेंगे? मैं अंदर से वही सोच रही थी, टप्पू के पापा को कौन सी फिल्म सही रहेगी। खिलाड़ी नंबर वन। वाओ दया भाभी, परफेक्ट। वैसे भी जेठा भाई ना हर बात में होशियार है। अरे जेठा भाई बिजनेसमैन है तो होशियार तो होते हैं। और टप्पू के पापा व्यापारी नहीं, प्यार में भी होशियार है। कविता अभी तक क्यों नहीं आई? मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। शायद किसी काम में उलझ गई होगी। हो सकता है। हेलो, कौन? माधवी भाभी। हाँ। सॉरी, ये कैसे हो गया? कमाल है, मेरे घर के जगह आपके घर पे फोन कैसे लग गया? नहीं नहीं जेठा भाई, ये आपका ही घर है, आपने आपके घर में ही फोन लगाया है। वो क्या है, महिला मंडल की मीटिंग आज आपके घर पे है। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। दया कहाँ है? वो शरबत लाने गई है। क्या मार्केट में? नहीं नहीं किचन में। मैं बुलाती हूँ, एक मिनट। नहीं नहीं कुछ खास काम नहीं था, ऐसे ही फोन किया था, मैं बाद में फोन कर लूंगा। आ गया शरबत, ठंडा ठंडा। किसका फोन है? जेठा भाई का। आपके प्यार को कैसे याद किया? ये क्या बोल रही है सबके सामने? अरे ये सब अनजान थोड़ी है, मेरी सहेली आई है। और आपको बता दूं, लेडीज महिला मंडल में ऐसी बातें होती ही रहती है। आपको पता है अभी हम पति देव की मजाक कर एक मिनट, क्या 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 बोली तू अभी? कुछ नहीं, आप बताइए ना, आपने क्यों फोन किया प्राणनाथ? सहेलियों के सामने एकदम लड में आ गई है आज तू, है? हाँ, वो तो होंगी ना। अच्छा सुन, मैं पार्टी को मिलने जा रहा हूँ, उनकी साड़ी की दुकान है, तो तेरे लिए एक साड़ी खरीदने की सोच रहा था, तो कौन से कलर की साड़ी लूँ? अरे वाह टप्पू के पापा, आप मेरे लिए साड़ी लेकर आएंगे? हो, रोमांटिक कपल। टप्पू कॉलेज में आ गया, पर मेरे दया भाभी और जेठा भाई आज तक कॉलेज कपल की तरह प्यार करते एक दूसरे को, है ना? लगे रहो। ओहो, मैंने बहुत गलत टाइम पर फोन किया, ये महिला मंडल आज फुल मजाक के मूड में। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, साड़ी लेने के लिए हम दोनों साथ में जाएंगे। चल ठीक है। हाय। हाय।
बबीता जी भी आए? हाँ तो फोन उनको। हाँ हाँ रखती हूँ रखती हूँ। हेलो उनको फोन दे ऐसा बोल रहा थे। दया भी कभी कभी बहुत जल्दबाजी करती है। हाय एवरीवन। बबीता हम लोग अभी हमारे हस्बैंड्स पे कौन से मम्मी का टाइटल फिट होता है वो डिस्कस कर रही थी। बहुत मजा आया। हाँ बबीता जी आपको क्या लगता है अय्यर भाई पे कौन सा टाइटल जाएगा? हाँ मेरे ध्यान में है अय्यर भाई के लिए एक मस्त नाम है। हाँ क्या? चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस अच्छा है पर जस्ट बिकॉज अय्यर भाई साइंटिस्ट है मेरे पास एक बढ़िया नाम है उनके लिए। आई एम कलाम अब्दुल कलाम। हाँ ये पर ध्यान है। वैसे इन्होंने मुझे एक बार बताया था कि अय्यर भाई के मोबाइल के वॉलपेपर पे अब्दुल कलाम जी का फोटो है। हो ना बबीता जी छाने है ना। बबीता कुछ टेंशन में लग रही हो बोल आप। हाँ वो एक्चुअली हमारे बाथरूम के सीलिंग से बहुत पानी लीक हो रहा है जो कि पोपट भाई के बाथरूम से आ रहा है और पानी कंटिन्यूअसली टिप टिप पे गिरे जा रहा है और इस वजह से हम लोग बाथरूम प्रॉपरली यूज भी नहीं कर पा रहे। आजकल ऐसा ही है हर एक सोसाइटी में कुछ कुछ घरों में प्रॉब्लम होता ही है। और इस प्रॉब्लम को लेकर आगे जाके बहुत झगड़े भी होते हैं। नहीं पर प्यार से बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मतलब आमने सामने वालों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बस होते प्रश्न नहीं। बबीता जी आपने इस प्रॉब्लम के बारे में पोपट भाई से बात की है? नहीं नहीं लेकिन पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि सच में पोपट भौजी के बाथरूम से पानी आ रहा है कि नहीं। हाँ हाँ वो प्लम्बर आया था ना उसने भी चेक किया और यही कहा कि लीकेज ऊपर वाले बाथरूम में ही है। फिर तो बबीता जी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए वरना लीकेज बढ़ती जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। बराबर। एक बार आइएगा ऑफिस से आ जाए ना रात को फिर हम लोग जाएंगे पोपट भाई से बात करने के लिए। अरे आप लोग शरबत कीजिए ना। अरे हाँ जी। हाँ ये बस कीजिए एकदम मस्त बना। I just hope कि वो मान जाए। Don't worry बबीता आज मैं पोपट लाल से स्ट्रिक्टली बात करेगा उसको उसका बाथरूम रिपेयर करना ही होगा। हाँ पर जरा शांति कर प्यार से बात करना लड़ाई मत कर। चौंक गए मुझे देख के लेकिन यहाँ गोकुलधाम में हालात ही चौंकाने वाले होंगे क्योंकि बबीता जी और अय्यर ने फैसला किया है दुनिया को हिलाने का जुनून रखने वाले पोपटलाल से मिलने का। मुंबई का ट्रैफिक शेयर बाजार और पोपटलाल का मूड कब प्लस माइनस हो जाए कोई नहीं जानता। वैसे आप लोग भी अपनी जिंदगी में कभी पानी के लीकेज को लेके या कभी ज्यादा शोर को लेके या दरवाजे पे कचरा क्यों फेंक दिया ऐसे किसी भी चीज को लेके अपने पड़ोसी से तकरार करते होंगे होती होगी ठीक गलत बात क्योंकि पड़ोसी रिश्तेदार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इसलिए नहीं करना चाहिए लेकिन कई बार आदमी हालात का शिकार हो ही जाता है जैसे इस वक्त अय्यर और बबीता जी हो गए हालात के शिकार और हालात के साथ पोपटलाल है शिकारी की मुद्रा। अब यहाँ गोकुलधाम एक युद्ध का मैदान बनने वाला है। वैसे एक युद्ध हमने भी छेड़ा है गंदगी के खिलाफ स्वच्छ भारत अभियान के तहत और आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम ने आप लोगों को tmkocmyclean.com के जरिए एक कंटेस्ट में आमंत्रित किया और कहा कि आप स्वच्छ भारत अभियान के तहत हिस्सा लीजिए अपने वीडियोस और फोटोज अपलोड की। अब बारी आ गई है सबसे पहले आपको धन्यवाद देने की कि आपने बढ़ चढ़ कर इस अभियान में हिस्सा लिया और हमें भेजे बहुत सारे फोटोज और वीडियोस और आप उसमें से चुने जाएंगे स्वच्छता सेनानी। कौन होंगे वो स्वच्छता सेनानी आपको पता चलेगा कल। और कल गोकुलधाम में क्या रंग लाता है बबीता जी अय्यर का पोपटलाल से मिलना ये आप जानेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए और हाँ पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।